नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं SS लोकल लाइव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसको हम सब जानते हैं और आज है उनका हैप्पी बर्थडे यानी जन्मदिन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे चेहरे की जिसको हम कवि के रूप में जानते हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में जानते हैं, एक आंदोलनकर्ता के रूप में जानते हैं, एक राजनेता के रूप में जानते हैं और न जाने कितनी पहचाने हैं उस एक शख्स की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुमार विश्वास की। कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। बहुत कुछ है कहने को कुमार विश्वास, या हम युवाओं की जुबान में कहें तो कुमार भैया के लिए कहने को, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे किस्सों की जो कुमार भैया को दुनिया से अलग बनाते हैं। जी हाँ, ये वही कुमार विश्वास हैं जिनको हमने 2012 में उस आंदोलन में देखा था जिस आंदोलन ने पूरे देश को एक कर दिया, अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन के मंच के संचालक के रूप में मैंने पहली बार डॉक्टर कुमार विश्वास को देखा। बड़ी कमाल का व्यक्तित्व था, युवाओं को अपनी ओर खींचने की तो कमाल की कला थी इस शख्स के पास। लाखों युवा जुट गए और वो आंदोलन महा आंदोलन के रूप में बदल गया। इसके बाद निर्भया केस के दौरान भी कुमार विश्वास युवाओं को लेकर राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गए, जो भी एक बड़ी मिसाल थी। कई किरदार निभाए हैं कुमार विश्वास ने, 2014 में चुनाव भी लड़े तो किसके विरुद्ध, जी हाँ राहुल गांधी के विरुद्ध अमेठी से कुमार हार गए, लेकिन एक नई किरण वहां पर छोड़ गए और उसके बाद ही 2019 में राहुल गांधी को उसी अमेठी की सीट पर हार का सामना करना पड़ा जिस सीट को राहुल गांधी के लिए अजेय माना जाता था। और बहुत सारे किस्से हैं डॉक्टर कुमार विश्वास के, एक वो किस्से भी जब वो आम आदमी पार्टी जिसके संयोजक उनके खास दोस्त अरविंद केजरीवाल थे और जिसके साथी और या ये कहें दो नंबर के नेता उनके बचपन के मित्र मनीष सिसोदिया, जब दूरियां हुई तो इतनी दूरियां कि मानो सब कुछ दूर हो जाए, लेकिन कुमार कभी खुलकर मनीष या अरविंद के विरुद्ध आए नहीं, उन्होंने कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन नहीं की। विरोध वो आज भी करते हैं और शायद करते रहेंगे, लेकिन कुमार का चरित्र समझना आज भी बहुत मुश्किल है, उनकी कविताओं का आनंद लेना उतना ही आसान। हैप्पी बर्थडे कुमार विश्वास। कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो।